हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एट और नाइनटीन के पेपर फाइव में जो भी क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट सियर टेस्ट द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सियर स्ट्रेस एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू वन ट्वेंटी स्क्वायर द एंगल ऑफ सियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी तो आपको यहाँ पर एंगल ऑफ सियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड निकालना है तो हम जानते हैं सियर स्ट्रेस ऑफ ऑफ सैंपल क्या होता है टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव होता होता है था था है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ होता है सी होता है और फाइव इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस सीयरिंग ड्राई सेंड के लिए ड्राई सेंड है तो ड्राई सेंड का जो है सी वैल्यू जो क्वेज होती है वो जीरो होती है और सिग्मा एंड टॉ बोथ जो है वो वन ट्वेंटी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है तो इसको यहां पे पुट कीजिए टॉ इक्वल टू जीरो प्लस सिग्मा टेन फाइव तो सी की वैल्यू जीरो हो गई वन तो ट्वेंटी दिया हुआ है तो यहां से आप फाइव की वैल्यू निकाल लीजिए तो फाइव फोर्टी फाइव डिग्री ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन एन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्ले सैंपल सेंटीमीटर स्क्वायर द फेलियर स्ट्रेन वॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट इन एन अनकनफाइंड कंप्रेशन टेस्ट द करेक्टेड एरिया ऑफ द सैंपल एट फेलियर वुड बी तो बोल रहा है कि इनिशियल क्रॉस क्रोसेक्शन एरिया ऑफ द क्ले सैंपल जो वो पंद्रह सेंटीमीटर स्क्वायर है ओके ए टू क्रॉस सेक्शन बेसिस ऑफ चेंज सेक्शन एरिया ए टू एट फिलर ए टू इक्वल टू था एल ओके सो जाएगा तो ए वन डिवाइड बाय माइनस एप्सलेंस इज द स्ट्रेन वैल्यू तो आप यहां पे को A1 आपको 15 को दिया गया है ए टू यहां से आप निकाल लीजिए स्ट्रेन जो है आपको यहाँ पे फिलियर स्ट्रेन ट्वेंटी फाइव परसेंट दिया हुआ है तो आपकी जो कलेक्टेड एरिया है वो आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी तो ऑप्शन विल नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टेकन बाय द सेम लेट डिग्री ऑफ कंसोलेशन बी तो बोल रहा है कि थर्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कवर करने में हंड्रेड डेज लगता है तो अगर सिक्सटी परसेंट आपको चाहिए तो क्या टाइम लगेगा हम जानते हैं कि जो टाइम फैक्टर होता होता है वो होता है वो ओके। सो पर देखिए आप यहाँ से आप U U निकाल लीजिए इक्वल टू इसको शॉर्ट ट्रिक में भी जान सकते हो कि d जो एंड एंडी फॉर सीवी एंड डी यूज होता है डायरेक्टली कांडर okay? so, डिवाइड बाय सिक्सटी इक्वल टू अंडरवुड हंड्रेड डिवाइड बाई टी टू यहां से टी टू आपका आ जाएगा सिक्स फोर हंड्रेड डेज देर फॉर टाइम टेकन फॉर सिक्सटी डिग्री कंसोलिडेशन इज फोर हंड्रेड डेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉर ए सेंटी स्वाइल द एंगल ऑफ इंटरल फ्रिक्शन इज थर्टी डिग्री इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज फिफ्टी किलोमीटर स्क्वायर फेलियर देनस्पॉडिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल भी तो बोल रहा है कि अगर इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन थर्टी डिग्री दिया हुआ है और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फिफ्टी किलोमीटर स्क्वायर एट है तो उसके में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा तो हम जानते हैं कि जो रिलेशन क्या होता है तो वैल्यू तो जीरो तो जीरो हो जाएगा ओके okay? तो सिग्मा वन दिया है आपको फिफ्टी फिफ्टी टू आपको सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है सिग्मा थ्री टेन स्क्टी फाइव प्लस इज दिया हुआ थर्टी डिग्री थर्टी बाय टू आपको यहां पर जो है वैल्यू जो है वो आ जाएगी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर इसका ऑप्शन टू करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन एट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी वन पॉइंट सेवन थ्री टू द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सैंड इज थर्टी डिग्री द एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड डिपॉजिट इज गिवन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दिया हुआ है फॉर एन इन्फिनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट वन पॉइंट सेवन थ्री टू और एंगल ऑफ रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है थर्टी डिग्री तो एवरेज स्लोप जो होगा वो होगा आप टेन इनवर्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट थ्री 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 कैसे निकालेंगे हम जानते हैं इक्वल होता है टेन फाइव डिवाइड बाई टेन आई तो आपको दिया हुआ है तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू इक्वल टू टेन थर्टी टेन आई तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स जीरो पॉइंट थ्री थ्री फाइव नेक्स्ट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज इज बेस्ड ऑन पार्सियल से पार्सल सेफ्टिव फैक्टर ऑफ कॉन्क्रीट कितना होता है पार्सल कॉन्क्रीट होता है आपका वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट द क्रीप स्ट्रेंथ क्रीप स्ट्रेंस जो होता है क्रीप स्ट्रेन क्या होता है क्रीप क्या होता है क्रीप इज अ प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर अंडर कॉन्स्टेंट लोड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड सो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो क्रीप होता है वो होता है टाइप ऑफ लोडिंग मेटिट्यूट ऑफ लोड टाइम टेम्परेचर स ड्यू टू डेड लोडली सो जो क्रीप स्ट्रेंस होता है वो कॉज ड्यू टू डेड लोडली उसमें लाइव लोड नहीं होता है वैसा डेड लोड जो कि वेरी लॉन्ग पीरियड तक रखा हुआ है कुछ पे और परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका है तो दैट इज कॉल्ड क्रीप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ड्यू टू सिंकेज स्ट्रेस सिंपली सपोरेट बीम है एट द बॉटम टेंस टू डिफ्लेक्ट बोल रहा है कि अगर सिंपली सपोरेट बीम है और बॉटम में बॉटम डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहां पर इन्फोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया सिर्फ बॉटम में तो ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस जो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा तो ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्पेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट क्राउन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड द मरीडोनियल फोर्स इज ऑलवेज तो बोल रहा है इन स्पेसिफिकल डोम जिसपे की कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है क्राउन पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड भी है तो मेडोनियल फोर्स जो होगा वो ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होगा नेक्स्ट नॉर्मली वायर्स आर वायरसेंड इन नॉर्मली प्रिस्ट्रेसिंग वायर्स जो होता है वो कहां पर अरेंज करते हैं वो अरेंज करते हैं do, हम लोअर पार्ट ऑफ द बीम में इन द प्री स्ट्रेसिंग नेक्स्ट द पर्पज ऑफ लेटरल टाइज इन सॉर्ट आरसी कॉलम इज टू दो हम लेटरल टाइज जो प्रोवाइड करते हैं इन शॉर्ट आरसी कॉलम और कॉलम में वो क्यों करते हैं टू

प्रोवाइड रेजिस्टेंसेंसर एंड टॉर्स इज रिक्वाइड टू होल्डन डूरिंग चारो जो है इसीलिए करेक्ट होगा चलते हैं द साइड फेस एनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल भी तो जो साइड फेस एनफोर्समेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं इन टी बीम हम प्रोवाइड करते हैं जब जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ द वेब एरिया ओके तब कर बीम है वो सेवन फिफ्टी एम एम से ज्यादा हो जीरो पॉइंट वन परसेंट से जो है वो कम वेब एरिया साइड इन देब ऑफ द बीम प्रोवाइडेड नॉटन जीरो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट द स्पेसिंग नॉट एक्सिड इन थ्री हंड्रेड एम एम और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस सो

मैक्सिमम एट ए कॉर्नर और एज पे क्या होता है पी एल स्क् ट्वेल्व होता है और अगर आपको पूछे कि बेंडिंग बैंडिंग एट सेंटर पे क्या होगा तो सेंटर पे पी एल स्क्टी फोर होगा तो यहां पर आपको एच पे पूछा है सो पी एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व विल बी द आंसर नेक्स्ट द मिनिम क्लियर कवर्स टू दिन स्टील बार्स इन स्लैब्स बीम कॉलम्स एंड फुटिंग सारे मिनिमम क्लियर कवर्स जो होता है वो होता है आपका ट्वेंटी एम एम फॉर स्लैब ट्वेंटी फाइव एम एम फॉर बीम फोर्टी एम एम फॉर कॉलम्स एंड फुटिंग के लिए फिफ्टी एम एम होता है मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायरमेंट एज पर न्यूली आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड कोर्ट्स नेक्स्ट द मेन एनफोर्समेंट ऑफ एन आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ टेन में स्पेसिंग इफ इट इज डिजायर टू रिप्लेस टेन में बार्स

बारह डिट फोर सेंटीमीटर सो कटी थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन पिच ऑफ द रिट से रिवेट जो होता है वो होता है वो आपको टू पॉइंट फाइव डी से कम नहीं होना चाहिए बोल्ट तो होता, होता है वो कहता है आपका पिच

स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर एज वेल एज फ्रॉम टर्म सो इस टाइप का जो बीम होता है दैनल्स इन द कम्प्रेशन कोर्ट्स ऑफ द स्टील ट्रस्ट गटर ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज सो हम जो चैनल बोल रहा है कि द चैनल्स इन दंप्रेशन कोर्स ऑफ स्टील ट्रस्ट गटर ब्रिजेज आर टर्न आउटवर्ड आउटवर्ट क्यों करते हैं सो so, आउटवर्ट हम करते हैं टू

तो इसका जो एंगल होगा वो होगा आपका 45 डिग्री टू विद द हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट अ वेल्डेड स्टील प्लेट गडर कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लेट्स फ्लैच प्लेट थ्री फिफ्टी एम एम इंटू प्लेट्स ऑफ वन थाउजेंड एमएम इंटू सिक्स सो बोल रहा है कि यहां पर जो steel welded plate, uh, plate है स्टील वेल्डेड प्लेट गडर में बोला टू फ्लेंच प्लेट फिफ्टी इंटू सिक्स एमएम का और वेब प्लेट है वन थाउजेंड एमएम इंटू सिक्स तो इसमें से कौन सा स्टिफनेस प्रोवाइड होगा ओके okay. सो यहाँ पे वेस्ट क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है अगर डी बाई टी डब्लू लेस देन सिक्सटी सेवन एप्सलेंस है तो अंतो कोई भी गडर नो गडर प्रोवाइड करेंगे ओके कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे सो दिस बी गडर अगर यही डी बाई टी डब्ल्यू एट्टी फाइव एप्सलेंस टू हंड्रेड एप्सलेंस के बीच वर्टिकल स्टिफनर सी वन एंड सी टू जो है सी वन सी टू का इंटरमीडिएट वो प्रोवाइड करेंगे और अगर टू हंड्रेड से टू फिफ्टी के बीच में तो वर्टिकल स्टिफनर स्टीफनर विद विदनल स्टिफनर एट जीरो पॉइंट टू डी में प्रोवाइडेड और अगर ये क्राइटेरिया है तो वर्टकल स्ट्रिक्स निकालिएगा सो डी वन थाउजेंड डिवाइड बाई सूज सिक्स इज दस ओके सो आपका सो डी बाई टी ये आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो यहाँ पर हम इंटरमीडियट वर्टल प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 20 मीटर ड्यू टू मूविंग यूडीएल ऑफ 4 किलोमीटर मीटर स्पानिंग ओवर 5 मीटर इज एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट जो होगा बेंडिंग मूमेंट का फॉर्मुला देख लीजिए डब्ल्यू ए बाई फोर इंटू एल माइनस ए बाई टू आप यहाँ पे सही वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा एट्टी सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पे किलोमीटर मीटर होगा नॉट टन ओके सो एवन पॉइंट फाइव किलोमीटर मीटर एट द मिड पॉइंट

तो सिमेट्रिकल ओरिजेंटल टू सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च व्हेन सबजेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन द एंटायर हैंडल स्पैन इज सब्जेक्टेड टू आपका होगा नॉर्मल थ्रस्ट लोन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट जो है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा जीरो होगा रेडियल सी जीरो होगा ओनली नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ पे वैल्यू जो है वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

For a single point load W moving on symmetrical 3 inch parabolic arch of span L, the maximum sagging moment occurs at a distance X from ends. The value of X is. So value of X is 0.211L. Next, in which of the following thrust members the stress depends upon whether the load is moving on top code or bottom code. So, so stress depends upon whether the the लोड कहां पर मूव कर रहा है टॉप कोर्ट पे या बॉटम कोर्ट पे मूव कर रहा है तो वहां पे आंसर होगा आपका डायगोनल्स नेक्स्ट वुच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस इज फोर्स मेथड इनमें से कौन सा जो है वो फोर्स मेथड मेथड है इसमें से फोर्स आपका होता है कॉलम मेथड जो होता है वो होता है आपका फोर्स मेथड ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चल एन एसेस या डिस्प्लेसमेंट मैथ्लेसमेंट मेथड जो है इन चारों में से वो होता है आपका मोमेंट डिस्ट्रक्शन मेथड इज एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एज दिन अगर कंजुगेट बीम रियल कंजुगेट बीम आप कन्वर्ट करते हो तो फिक्स सपोर्ट जो होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री एंड में फिक्स है और ये हो गया यहाँ पे फ्री कंजुगेट बीम जाएगा फ्री यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए

तो so, यहां पर जो वैल्यू जाएगी आपकी फाइव एम एम ही हो जाएगी नेक्स्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड सो डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी अगले क्वेश्चन में चलते हैं द कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन काट कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम जो होता है वो हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन निकालने के लिए किस टाइप के स्ट्रक्चर में फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम इसमें यूज करते हैं ओके एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड अ डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द कास्टिग्लॉन सेकेंड थ्योरम फॉर अ टू हिंस आर्ज इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल्स डाउन वर्टिकली देन द दॉर्जेंटल थ्रस्ट अगर मान लीजिए एक सपोर्ट सेटल कर गया है इनके सब टू हिंसार्ज तो जो हॉर्जेंटल थ्रस्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट

ऑफ कंसोलिडेशन की जो वैल्यू है वो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ जाएगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सैंपल सो इनमें से जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द डेंसिटीज होगा वो होगा सेचुरेटेड वेट ड्राई एंड सम नेक्स्ट फॉर सैंपलिंग नेचुरल सैंड्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइलस्फेक्ट्रीडली द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैंपलर इज तो बोल रहा है कि जो मोस्ट सुटेबल सॉइल सैंपलर फॉर द केस ऑफ सॉफ्ट एंड वेट सॉइल उसमें होता है आपका ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड ट्यूब सैंपलर यहां पर आपको तीनों के वेरियस यूज दिए गए हैं स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर ओपन ड्राइव थिन स्पीड सैंपलर सैंपलर कि ये कहा बेस्ट यूज होते हैं मोस्ट सुटेबल यूज ओके इन आर केस जो है वो ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड ट्यूब सैंपलर जो है वो बेस्ट होता है फॉर द सॉफ्ट एंड वेट सॉइल नेक्स्ट

बट उसका परमेबिलिटी डिफरेंट है क्यों उसका परमेबिलिटी डिफरेंट है उसका परमेबिलिटी डिफरेंट है बिकॉज द साइज रेंज ऑफ देयर वॉइड वुड बी डिफरेंट जो साइज का, का है वो डिफरेंट है इसीलिए उसकी परमेबिलिटी क्या डिफरेंट होगी नेक्स्ट इन ए सचुरेट एंड क्लेस क्लेयर अंडर गोइंग कंसोलिटेशन विद सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप द पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम एट इट्स तो पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम कहां पे होगा पोर वाटर प्रेशर मैक्सिम होगा बॉटम में नेक्स्ट

cv इक्वल टू आपका यहाँ पे दिया हुआ है कंबन कंसोलुशन 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसको मीटर में चेंज कर लीजिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड में फॉर 50% कंसोलुशन आपको दिया हुआ है 0.197 अब यहाँ पे आप टी में पुट करके यहाँ से आप क्या कीजिए इसको 280 4 डेज इसको पुट कीजिएगा तो आपको 284 डेज आ जाएगा फॉर्मूला नेक्स्ट

यहां पर इसके बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं आप पढ़ लीजिए आपके वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे ठीक है नेक्स्ट डिफ्लेक्शन ऑफ अ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट इज डिफ्लेक्शन इन सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट जो है वो इनक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम जो यहां पर डिफ्लेक्शन देखिए बॉटम में क्या हो रहा है बढ़ रहा है एट द अर्थ प्रेशर मैगट्यूट इंक्रीजेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो डिफ्लेक्शन ऑफ अट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट इनक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम नेक्स्ट द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टन डिग्री ऑफ कंसल्ट्रेशन ऑफ अ क्ले लेर इज प्रपोर्शनल टू टाइम टी जो होता है आपका एच स्क्वायर एंड वन बाई सी वी अगले क्वेश्चन में चलते हैं The static cone penetration test and a standard penetration test are performed on a soil at a certain depth. The value of static core penetration test is 8 MPa and the n value is 20. The soil met with that depth is. So यहाँ पे जो soil होगा वो उसका type होगा, होगा वो होगा आपका sandy soil. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है soil type and Q by n ratio. तो आपको निकालना है QC by n. तो QC by n आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 divided by 20 is 0.4 आया. जीरो पॉइंट फोर जो है आपको जो टाइप ऑफ सॉयल है वो होगा आपका सेंटी सिल्ट इससे कम है तो यहां पे आपको सेंटी सिल्ट में जो है इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सो थैंक यू मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू